गुजरात वालों, ये क्या है भाई, ये तो वही बात हो गई। सामने खाने की थाली सजी है, भूख भी लग रही है, पर बोल रहे हो हाजमा खराब है। एक तो फिर सट्टी टीम डीसी, ऊपर से इतना छोटा टारगेट मिला था। अरे भैया, दिल्ली का भी मैच थोड़ी जीतना चाहती है, वो तो हारने का इंतजाम करके रखे थे, पर तुम उससे हार कर उनका ईगो हर्ट कर दिए। ये बात नहीं चलेगी। हुआ ये, डीसी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का खतरा मोल लिया। और क्या, मोहम्मद शमी के चार विकेट ने डीसी के टॉप ऑर्डर की इमारत को ऐसे गिराया जैसे सरकार इलीगल इमारत को गिराती हो। हर बार की तरह डीसी के संकट मोचन अक्षर पटेल ने थोड़ा सहारा दिया। वो तो अमन हकीम खान की बेहतरीन 50 और रिपाल पटेल की शानदार फिनिशिंग के दम पर डीसी 130 का टोटल बिठा पाया, वरना डीसी का तो आज दम ही निकल जाना था। और 131 का टारगेट चेस करना टेबल टॉप टीम के लिए कितना ही मुश्किल काम है, लेकिन गुजरात के लिए मुश्किल हो गया। दोनों ओपनर सस्ते में निपट गए। रिद्धिमान को तो खैर चलता है, पर शुभमन भाई आप, ये बात नहीं चलेगी। हार्दिक पांड्या आखिर तक 59 रन के साथ जमे रहे, दबा के गेंद भी खेले। गेंद खाने के मामले में अभिनव मनोहर ने भी साथ दिया। सोचा 131 का ही तो टारगेट है, आराम से जीत लेंगे। क्या घंटा जीतोगे, पिछले मैच में KKR को रुलाने वाले तो फैल निकले। और लास्ट में राहुल तेवतिया 3 छक्कों के साथ 20 रन जरूर मारे, पर गुजरात को 5 रन से मुंह की खानी ही पड़ी। थोड़ा बॉल बचा दिए रहते तो 2 पॉइंट कहीं नहीं जाने थे। मैच स्टार्ट होने से पहले ही गुजरात की झोली में 2 पॉइंट भरने की सूचना मिल चुकी थी, पर इनसे ये भी लपका नहीं गया।